ओमज्ञान्तिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः मा विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे दे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्रीकृष्णचैतन्याप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदादर्शिवासादिगौरभक्तवृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरि हरे राम हरे Ramo राम राम हरे हरे 3.22 से लेके 28 तक श्लोक पढ़ेंगे आज नाम पार्थस्थ कर्तव्य त्रिषु लोकेशु किंचना नानवाप्तम्यम वर्त एव कर्मणि यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान मम वर्तमान वर्तन्ते पार्थ सर्वशा उत्सीदे उरमे लोकानाकुर्यं कर्म चेदम् शंकरस्य चर्तस्याम् उपाहन्यं मिमा प्रज सक्ता कर्मण्य विद्वान् यथा कुर्वन्ति भारत कुर्या विद्वान् तथा शक्तिश न बुद्धिवेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गीनां चोषयेत् सर्वकर्माणि विद्वान्युक्ता समाचरन् प्रकृते गृहमाणानि गुणकर्माणि सर्वशा अहङ्कारविमूढात्मा कर्ता इति मन्यते तत्तवित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ता इति मत्वा न सच्यते प्रकृते गुण समूढ़ा सज्जन ते गुण कर्मिषु तान कृष्ण विद, विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालये अयि सर्वाणि कर्माणि सन्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्ध स्वाविगता थ्री पॉइंट ट्वेंटी वन में देखा था भगवान ये सेक्शन स्टार्ट करते हैं जिसमें बताते हैं कि एग्जाम्पल सेट करने के लिए अर्जुन को कर्म करना चाहिए अगर अर्जुन ज्ञान के स्तर पे है तभी भी दूसरों के लिए समपशन लोक संग्रह दूसरों के सामान्य लोगों का विचार करते हुए उनको कर्म करना चाहिए और जनक महाराज का उदाहरण भगवान ने दिया था अब अगले तीन श्लोकों में भगवान अपने आप को एग्जाम्पल की तरह उपयोग करते हैं अगले तीन श्लोकों में अपना एग्जाम्पल देते हैं तो ट्वेंटी टू नाम पार्थस्ती कर्तव्य लोकेशु कंचना नानवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि नाम पार्थस्ति कर्तव्यम तो भगवान बोलते हैं हे पार्थ मेरे लिए कोई कर्तव्य नहीं है त्रिशु लोकेशु कंचना ये तीनों लोकों में मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है नान ना अवाप्तम अवक्तव्यम नान ना अवाप्तम भगवान बोलते हैं कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी मुझे आवश्यकता है नान ना अवाप्तम अवक्तव्यम और ना मुझे कोई इच्छा है और कुछ चीज प्राप्त करने की सो नॉट आई एम इन वॉम वॉन्ट दैट आई रिक्वायर एनीथिंग आई हैव नीड टू अपटेन और गेन एनीथिंग तो ना अभी मेरी कोई आवश्यकता है ना भविष्य में कुछ प्राप्त करने की मेरी इच्छा है वर्त कर्मणी फिर भी मैं अपने कर्तव्य में लगा हुआ तो यहाँ पे इनडायरेक्टली भगवान अपनी डिवीनिटी को इंडिकेट कर रहे हैं भगवान भगवान है उसको इंडिकेट कर रहे हैं तो भगवान कृष्णा इज नीदर ऑब्लिगेटेड by any duty नॉर obsessed विथ any डिजायर भगवान को ना किसी चीज की आवश्यकता है ना उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म है ना प्राप्त करने योग कोई ऐसी व्यक्ति है कोई ऐसी वस्तु है जिसको प्राप्त करना चाहते हैं तो संसार इस इस में व्यक्ति काम कर रहा है क्योंकि उसको किसी चीज की आवश्यकता है और कुछ चीज भविष्य में और प्राप्त करना चाहता है इसीलिए वो काम कर रहा है लेकिन भगवान को ना तो किसी चीज की आवश्यकता है और ना कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पे भगवान इंडिकेट कर रहे हैं मेरे लिए कोई ड्यूटी नहीं है क्यों, क्यों? क्योंकि, भगवान सुप्रीम है। क्योंकि भगवान 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 सुप्रीम है है क्योंकि वो किसी के अंडर नहीं है इसीलिए जी ने आप देखेंगे ये श्लोकों में बहुत सुंदर श्लोक भाव कोट किए उपनिषद से जिसमें एक्सप्लेन करते हैं तम ईश्वराणाम परमम च दैवतम जितने देवता है भगवान उनके ईश्वर उनमें सुप्रीम देवता है तम ईश्वराणाम परमम महेश्वरम जितने ईश्वर हैं महेश्वर भगवान उन सबके ईश्वर हैं तम देवता नाम परमम ज देवतम और जितने देवता हैं जितने डी गॉड है भगवान परमम ज देवतम उनमें भी भगवान परमम है पतिम पति नाम पर मतलब पति का शब्द का अर्थ होता है या तो पति हस्बैंड या मास्टर तो जितने पति हैं संसार में जितने मास्टर हैं भगवान उनमें सबसे सुप्रीम मास्टर है भुवनेश्यम और भगवान ऐसे थे जो संसार में जितनी जगह है उन सब के भगवान स्वामी है तो ये जो पहले दो लाइन है श्लोक के जो प्रोपर जी तात्पर्य में कोट किया है ट्वेंटी टू में ये बता रहे हैं कि भगवान की पोजीशन क्या है भगवान की पोजीशन क्या है उनकी स्थिति क्या है तम ईश्वराणाम परम महेश्वरम जितने ईश्वर हैं जो नियंत्रण करने वाले हैं महेश्वर उन सब में सबसे महान भगवान है तम देवता नाम परम चैतम जितने हैं हैं ऊपर के मिनिस्टर्स हैं, कोई कोई वायु का मिनिस्टर है वायु का देवता है जल का देवता है पर उस सब में परम भगवान है पतिम पति नाम परमम परस्ताद जितने मास्टर हैं संसार में जितने स्वामी हैं उन सब के स्वामी भगवान है तो ये श्लोक बता रहा है देवम ये जान लीजिए कि में संसार में जितनी जगह है उसका एक ही स्वामी है जो भगवान है ये भगवान की पोजीशन बता रहा है अब अगली दो लाइन जो है श्लोकों की है ये हमारे रिलेशन में भी है भगवान बता रहे हैं अगली दो लाइन में कि नातस्य कार्यम करणम च विद्यते भगवान के लिए कोई प्रिस्क्राइब ड्यूटी नहीं जिस श्लोक में बोला गया भगवान बोल रहे हैं नाम पार्थस्थि कर्तव्य उसी को यहाँ पे विस्तार किया जा रहा है कि तस्य का ना तस् कार्यम करणम च विद्यते कोई भी कार्य करनी ऐसा है नहीं भगवान के लिए कि लिखा हुआ है कि भगवान उनको ये करना है ब्राह्मण के लिए कुछ है क्षत्रिय को कुछ कार्य दिया है वैश्य को कुछ है शूद्र को कुछ है ब्रह्मचारी का कुछ कार्य है गृहस्थ का है वानप्रस्थ का है सन्यासी का है लेकिन भगवान के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है ना तत् समस्त भगवान के कोई अथॉरिटी नहीं है भगवान से ऊपर ना तत् समस कोई भगवान के समास नहीं है समान नहीं है भगवान के कोई इक्वल नहीं है अधिकश और भगवान से बढ़ के कोई नहीं है हुँ? तो इनडायरेक्टली क्यों क्योंकि क्यों वो भगवान है वो सुप्रीम लॉर्ड है तो अगर भगवान को कोई ड्यूटी नहीं है हुँ? तो वो सारा चीज कंट्रोल कैसे करते हैं अगर ये बोला जाए कि भगवान तो सब कंट्रोल कर रहे हैं सारी चीजों का नियंत्रण कर रहे हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है भगवान का तो कोई ड्यूटी नहीं है कोई कर्तव्य उनके नहीं है तो वो कैसे कंट्रोल करते हैं परास शक्तिर विविधाव शूयत शक्तिर भगवान की अनेक अनेक शक्तियां कितनी शक्तियां हैं विविधाव शूयते अनलिमिटेड शक्ति भगवान की स्वभाव की ज्ञान बल क्रियाचा भगवान जस्ट डिजायर करते हैं और सब कुछ होता है सत्य संकल्प इसलिए भगवान को बोला जाता है भगवान डिजायर करते हैं हम इच्छा करते हैं भगवान और वो चीज होती है तो भगवान की जो इच्छा है वही उनका दृढ़ संकल्प है उसको संकल्प शक्ति बोलते हैं इस संसार में हम इच्छा करते हैं फिर उसके लिए योजना बनाते हैं बहुत सारा मेहनत करते हैं वो करते हैं कभी कभी चीज होती है कभी नहीं होती है लेकिन भगवान के साथ ऐसा नहीं होता है ये तो भगवान इसलिए ये पॉइंट यहाँ एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इस प्रकार से भगवान काम करते हैं स्वभाव की ज्ञान बोल क्रिया जब भगवान नॉलेज कैसे अक्वायर करते हैं किसी भी चीज की तीन आस्पेक्ट ज्ञान बल और क्रिया ये क्या होता है स्वाभाविक ही है भगवान के स्वभाव में नेचुरल हाँ जैसे यहाँ पे कोई कोई मच्छर बैठ गया कहीं पे सब पे बैठ गया तो अपने आप हाँ बहुत ज्यादा कॉन्शियस नहीं होना पड़ेगा मुझे वो अपने आप हाथ वहां चला जाएगा ये वो मच्छर को भगा देंगे तो ऐसे ही भगवान पूरी सृष्टि को मेंटेन करते तो कितने दिव्य पर्सनैलिटी है हमारी कल्पना के परे इतने इतने ब्रह्मांड ने जिसमें से एक छोटे से ब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांडों को कैसा मेंटेनेंस चल रहा है <laughs> जैसे कोई मक्खी उड़ा देगा ऐसे अनकॉन्शियसली वो अपना काम करते वो लैपटॉप में कुछ देख रहा है ये करते है, ऐसे भगवान सब मेंटेन करते स्वभाव ही बोला गया इसको तो इतने स्पेशल पर्सनैलिटी है भगवान तो यहाँ पे बताया गया है कि भगवान के लिए कोई कर्तव्य नहीं है फिर भी वो भगवान है कर्तव्य करते हैं तो सिखाने के लिए ये सिद्धांत है चेतन महाप्रभु थे चेतन महाप्रभु ने सन्यास लिया तो उनकी जो पत्नी थी वो तो उनकी नित्य संगिनी है लक्ष्मी जी हैं लेकिन वो अपनी पत्नी से भी दोबारा मिले नहीं सन्यास लेने के बाद और एक बार चेतन महाप्रभु तो रामचंद्रपुरी जो थे वो काफी आलोचना करते थे चेतन महाप्रु गॉड ब्रदर ही थे तो एक बार उनके घर उनके रूम के बाहर कुछ चीटियां आ तो रही थी उन्होंने बोला अरे तो कैसा सन्यासी है ये स्वीट खाता है हाँ। तो चेतन महाप्रु ने स्वीट खाना बंद कर दिया हालांकि वो इन सब नियमों से परे थे तो अपनी आचारी प्रभु जी वेरा सिखाए अपने आचार से दूसरों को भगवान सिखाते हैं तो श्रीवन्द भागवतम में भी देखेंगे कि बताया हुआ है भगवान जब द्वारका में थे उसका डिस्क्रिप्शन है कैसे भगवान एक आदर्श गृहस्थ के रूप में रहते लेकिन इस श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं दो महत्वपूर्ण चीजें पहला पहली लाइन बता रही है कि वो भगवान है पूरे तीनों लोकों में उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है और दूसरी लाइन में भगवान बता रहे हैं ना उनको कुछ चीज की आवश्यकता है ना भविष्य में कुछ और संग्रह करना है या प्राप्त करना है फिर भी वो काम कर रहे हैं प्रभुपा जी के गॉड ब्रदर थे बाद में जो भक्ति सिद्धांत सर ठाकुर से उन्होंने इनिशिएशन लिया लेकिन वो बताते हैं प्रभुपा जी को कैसे भारत में आके वो इस निष्कर्ष पे आ गए कि राधा कृष्ण ही भगवान है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है जस्ट भारत में जर्मनी से आए थे और इंडिया में जस्ट मूर्तियों को देख के वो इस निष्कर्ष पे आ गए बहुत सारे मंदिर वो गए तो उन्होंने प्रभाजी को बताया बहुत सारे मंदिर गया कहीं देखा तो शिव जी हैं कहीं त्रिशूल लिए हुए हैं किसी के मेडिटेशन में लगे हैं कहीं काली जी हैं तो सात आठ वेपन लिए हुए हैं हनुमान जी हैं वो भी गदा लिए हुए हैं जिस भी मंदिर में गए कोई ना कोई तो अस्त्र शस्त्र लेके खड़े हैं ये लोग ये और कुछ ना कुछ क्रिया में लगे हैं। लेकिन जब जब वो राधा कृष्ण के मंदिर में आए तो उन्होंने देखा कि भगवान सिंपली बांसुरी लिए और हंस रहे हैं हाँ और राधा रानी के साथ एंजॉय कर रहे हैं तो इस कंक्लूजन में आ गए ही मस्ट बी सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड यही परम भगवान हो सकते अब इसके अगले श्लोक में बता रहे हैं यदि ही हम न वर्ते हम जातु कर्मण्य तंद्रिता मम वर्तमान वर्तनते मनुष्य पार्थ सर्वश तो भगवान इसमें बताते हैं यदि ही अहम न वरते अगर मैं कार्य में ना लगू यदि ही मैं वरते हम कार्यों में ना लगू इस प्रकार से जातु कर्मणि अतंद्रिता शब्द का मतलब है तंद्रता मींस आलस अतंद्रिता मींस अटेंशन के साथ बहुत अलर्टनेस के साथ बहुत अलर्ट रह के बहुत ध्यान पूर्वक नहीं? अगर मैं बहुत ध्यान पूर्वक अपने कर्मों में ना लगूं तो क्या होगा मम वर्तमान वर्तन थे वर्तमान मतलब पथ मेरा जो पथ है इसी का अनुवर्तन यानी इसी को फॉलो करेंगे बाकी लोग ये मनुष्यापार्थ सर्वश बाकी लोग भी इसी पाथ को फॉलो करेंगे सिमिलरली हाँ तो भगवान यहां पर बता रहे हैं अतरता मतलब भगवान अपना जो कर्तव्य करते हैं बहुत ध्यान से करते हैं बहुत अटेंटिवली करते हैं तो श्रीमद भागवतम के दसवें स्खन में सत्तर और इकहत्तर ये दो चैप्टर है जिसमें भगवान के ग्रस्त जीवन का वर्णन है इसमें नारद मुनि द्वारका में जाते हैं अलग अलग महलों में जाते हैं अलग अलग जब अलग अलग महलों में जाते हैं अलग अलग समय देखते हैं कहीं पे भगवान मॉर्निंग ड्यूटीज कर रहे हैं कहीं पे भगवान ब्राह्मणों को दान दे रहे हैं कहीं पे भगवान अपनी सुधर्मा में मैनेज कर रहे हैं ये तो भगवान बहुत ही ध्यान पूर्वक अपने कर्तव्य करते थे ये अब यहाँ पे एक प्रश्न हो सकता है कि लोग प्रश्न कर सकते हैं कि लेकिन भगवान ने तो ऐसी भी क्रियाएं की हैं जो साधारण मनुष्य को नहीं समझ में आती है या जो कॉमन लॉज में फिट नहीं होती हैं जैसे भगवान ने रासलीला किया है और बहुत सारी अनेक स्त्रियों के साथ ऐसा रास लीले भगवान ने किया और वृंदावन में भगवान रोज माखन चोरी करते थे तो ये चोरी का भी ये तो अच्छा एग्जाम्पल है नहीं मम वर्तमान वर्तन थे लोग उसको पालन करेंगे <laughs> तो अंतर क्या है देखिए भगवान ने जो वृंदावन है वृंदावन में भगवान ने कभी लीडरशिप का पोजीशन नहीं लिया पहला चीज वृंदावन में भगवान अपनी लीला कर रहे थे वृंदावन क्या है माधुर्य धाम है वृंदावन एक दिव्य जगह ये है। वो प्रेम की जगह तो वहां पे एग्जाम्पल सेट करना उद्देश्य नहीं था जो भगवान ने द्वारका में किया है द्वारका स्तनापुर में कभी भी उन्होंने कोई ऐसा कार्य बहुत एग्जाम्पलरी अपने आप को सेट किया है वृंदावन गया है प्रेम की जगह वो दिव्य जगह और वहां भगवान लीडरशिप की पोजीशन में भी नहीं थे तो वहां पे अपने भक्तों से आदान प्रदान करने के लिए भगवान ने क्रियाएं की ये पॉइंट है तो इसको आगे भी आप देखेंगे तो एक्सप्लेन करेंगे अगले श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपा जी इस चीज को ये। तो प्रभुपा जी ने भी तात्पर्य में लिखा है कि जो प्रत्येक परंपरागत कुलाचार है जो प्रत्येक सभ्य व्यक्ति के लिए होते हैं ऐसे विधि विधान केवल बद्ध जीवों के लिए नहीं है भगवान कृष्ण के लिए नहीं लेकिन क्योंकि वे धर्म की स्थापना के लिए अवतरित हुए थे अतः उन्होंने निर्दिष्ट नियमों का पालन किया श्रीमान श्रीमद भगवत भागवत से ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण अपने घर में तथा बाहर गृहस्थ गर, उचित धर्म का आचरण करते रहे ये। तो ट्वेंटी फोर्थ जो श्लोक है इसमें प्रोपा जी ने एक्सप्लेन किया है कि वृंदावन की लीला भगवान के कैसे देख सकते हैं इसके तात्पर्य में वो है उत्सी देर में लोका ना कर्म चेत हम शंकर कर्तस्याम उपाहन्यम निमा प्रजा तो भगवान बोलते हैं उत्सी देर में लोका उत्सी देव मीन हो जाएगा इन्हें लोका मतलब ये लोकों में सारे लोकों में डिस्टर्बेंस हो जाएगा हुं? सारे लोकों में एक क्या डिस्टरबेंस हो जाएगा ना कुर्याम कर्म हम अगर मैं अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करूँगा तो लोगों का जो संतुलन है बाकी लोगों में एक डिस्टरबेंस उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाएगा संकरस्य चकर और संकरस्य जो वर्ण संकर अर्जुन ने पहले चैप्टर में बोला था अर्जुन का एक चिंता था कि वर्ण संकर हो जाए हो सकता है तो भगवान बोल रहे हैं अगर मैं अपने कर्तव्य का ध्यान पूर्वक पालन नहीं करूंगा तो सारे लोगों में डिस्टरबेंस हो जाएगा और वर्ण संकर वर्ण संकर हो जाएगा ये। उपाहन्यम इमा प्रजा और इस प्रकार से जो सारे जीव है सारे जो लिविंग एंटिटीज है नष्ट हो जाएंगे तो भगवान यहाँ पे पॉइंट आउट कर रहे हैं क्या पॉइंट आउट कर रहे हैं कि अगर मैं जिम्मेदारी से काम नहीं करूंगा तो लोग जस्टिफिकेशन देंगे लीडर ही अगर नहीं कर रहा है तो लोग बोलेंगे भगवान ऐसा कर रहे हैं तो बाकी लोग भी ऐसे ही स्टार्ट कर देंगे तो अर्जुन को भी भगवान बताना चाह रहे हैं कि अर्जुन लीडर है तो अगर वो युद्ध नहीं करेंगे क्षत्रियों का धर्म है धर्म का पालन करना लोगों की सुरक्षा करना तो अगर क्षत्रिय युद्ध नहीं करेंगे और क्षत्रिय अगर लोगों की सुरक्षा नहीं करेंगे धर्म की सुरक्षा नहीं करेंगे तो कैसे होगा तो फिर अधर्म फैल जाएगा ये ना हो अभी इसमें एक क्वेश्चन आता है कि भगवान ऐसा बोल रहे हैं लेकिन भगवान ने वृंदावन में तो एग्जाम्पलरी एक्ट किया नहीं ये। तो उसके आंसर में यही है कि पहला पॉइंट क्या है कि वृंदावन प्रेम की जगह दूसरा क्या है भगवान ने लीडरशिप पोजीशन वृंदावन में नहीं लिया तीसरा पॉइंट प्रभु जी ने इस तात्पर्य में एक और बुलाया तो ये तात्पर्य का हेडिंग क्या है डोंट इमिटेट फॉलो लो कृष्णाज इंस्ट्रक्शन ये इस तात्पर्य का हेडिंग है तो तात्पर्य प्रभुपा जी ने बताया है कि जो महान लोग होते हैं उनको हम इमिटेट नहीं कर सकते क्योंकि उनमें जो शक्तियां हैं वो हमसे बहुत बियॉन्ड है और श्रीमद भागवतम से जो दो महत्वपूर्ण श्लोक प्रभुपा ने तात्पर्य में लिखे हैं न एतत् समाचार न एतत् समाचार जातु मनसापि भी ही अनेश्वरा विनश्यति आचरण मौर्य तथा रूढ़ अब विषम ईश्वराणाम वचा सत्यम तथा अवचरित कुछ तेषा युक्त बुद्धिमानस तुपात जी ने ये दो श्लोक कोट किए हैं दस में से ये क्या है ये आंसर है जब परीक्षित महाराज ने एक प्रश्न किया अरे भगवान दूसरों की पत्नियों के साथ नृत्य कर रहे हैं तो सुखदेव गोस्वामी ने ये आंसर किया ना समाचरे जातु वन शुड नॉट एक्ट ऐसा आचरण नहीं करना चाहिए जातु निश्चित रूप से इस प्रकार का आचरण नहीं करना चाहिए मनसाम अपी मन में भी व्यक्ति को ऐसा सोचना नहीं चाहिए जैसे ये जो क्रिया है कि उसको कर सकता है वो अनिश्वरा जो ईश्वर नहीं है तो हम लोग क्या है हम लोग ईश्वर नहीं है तो हम लोगों को मन में भी ईश्वरों का इमिटेट नहीं करना चाहिए तो अगर कोई करेगा तो क्या होगा विनश्यति आचरण मौर्यात अगर कोई ऐसी लीलाओं का इमिटेट करने की तो विनय उसका तुरंत ही विनाश हो जाएगा आचरण मौर्याद मौर्याद मीन्स ऐसा आचरण है वो मूर्खता का प्रतीक है पुलिशनेस का प्रतीक है ये, ये विषम तो उदाहरण दे रहे हैं जिस प्रकार से यथा रुद्रो अब विषम रुद्रो मीन भगवान शिव तो भगवान शिव ने अब्दिजम समुद्र से उत्पन्न हुए विष को ग्रहण कर लिया और वो क्या है नीलकंठ हो गए तो कोई ये कर सकता है अगर कोई इसको इमिटेट करने की कोशिश करेगा तो क्या होगा विनाशुति आचरण मूड तो जो मूर्ख व्यक्ति होगा वो इसको इमिटेट करेगा तुरंत ही उसका नाश हो जाएगा इसी तरह आप देखते हैं भगवान की रासलीला और ये सब तो कुछ मूर्ख लोग हैं इसको इमिटेट करते हैं उनका नाश हो जाता है ये तो भगवान शिव जो थे वो बहुत बड़े वैष्णव है और कोई साधारण पर्सनैलिटी नहीं है तो जब वो पॉइजन पिया उन्होंने तो उनको चिंता नहीं थी कि मेरा मैं जीवित रहूंगा मेरी मृत्यु होगी वैष्णवा नाम यथा शंभु केवल वो दूसरों के कल्याण के लिए कर रहे थे और जो विष है उन्होंने अपने कंठ में रोक लिया कंठ में भी क्यों रोक लिया उनको ये प्रॉब्लम नहीं था कि नीचे जाएगा तो मेरे लंग्स खराब हो जाएंगे मेरा लीवर खराब हो जाएगा शिव जी सोच रहे थे कि मेरे हृदय में भगवान का वास है तो अगर ये विष नीचे जाएगा तो वहां मेरे प्रभु रहते हैं उनको इनकन्वीनियंस होगा तो उनको तकलीफ ना हो इसलिए उन्होंने रोक लिया ये तो इसी तरह शिव जी के भी कुछ मूर्ख फॉलोअर देखते हैं आप शिव जी की पूजा करते हैं लोग भांग लेते हैं ये तो इमिटेट नहीं करना चाहिए क्योंकि ये लोग तेजी या दोष आए ना इनमें दोष देखना चाहिए ना इनको इमिटेट करना चाहिए क्या लिखा है ईश्वर नाम वचन सत्यम हमको समझ में आना चाहिए जो ईश्वर होते हैं जो बहुत महान लोग होते हैं इनके वचन सत्य तथा चरितम क्वचित और ये हमको वचनों के द्वारा बताते हैं कि हमको कैसे काम करना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर वर्ड्स उनके वचनों के अनुसार जीवन को ढालना चाहिए जो बहुत महान लोग हैं ये तो भगवान संसार में आते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं, एक तो है कि एग्जाम्पल सेट करना और दूसरा ये दिखाना कि वो भगवान है दोनों चीज चीजें जैसे राम जी जब अवतार लिए तो मेन फोकस था एग्जाम्पल सेट करने में ये लेकिन जब कृष्ण जी अवतार लिए हैं जो कृष्ण जी हैं जो सब अवतारी बोला जाता है जिनको तो दोनों चीजें भगवान ने डेमोन्स्ट्रेट किए एक तो डेमोन्स्ट्रेट किया है कि मैं भगवान हूँ तो भगवान का जो विराट रूप है अपने मुंह में उन्होंने यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखाया गोवर्धन उठाया और रास लीला ये सारी लीलाएं क्या है वो कृष्ण भगवान है इसको हम इमिटेट नहीं कर सकते ये और एट द सेम टाइम उन्होंने भगवत गीता दी और उन्होंने अपने गृहस्थ जीवन जैसे द्वारका में पूरा जिया है तो उसमें भगवान ने बहुत एग्जेम्पलरी एक्ट किया है तो एक्जरी प्रश्न उठता है कि लेकिन भगवान ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं जो सामान्य लोग जिसका अनुकरण नहीं कर सकते ये दिखाने के लिए कि भगवान किसी नियम में बाध्य नहीं है रौपा जी ने तात्पर्य में लिखा है अगर कोई नियम भगवान से ऊपर हो गया तो नियम ही भगवान हो जाएगा भगवान नियमों के परे हैं सिद्धांत है तो यहाँ पे ये जो श्लोक बताया ट्वेंटी फोर उसमें भगवान बता रहे हैं कि आ, मुझे बहुत ध्यान से एक्ट करना पड़ता है प्रभुपात जी ने इस तात्पर्य में कम से कम पांच बार ये शब्द यूज किया है इंग्लिश के परपोर्ट में डोंट इमिटेट इमिटेट शब्द पांच बार यूज किया है वी कैनॉट इमिटेट दीज थिंग्स इन चीजों को इमिटेट नहीं किया जा सकता अब भगवान नेक्स्ट श्लोक में कर्म कांड और कर्मयोग के बीच में डिफरेंस बताएंगे तो अर्जुन अगर बोलते हैं ठीक है आप अगर बोलते हैं कि मुझे एग्जाम्पल सेट करना है तो ठीक है मैं कार्य करता हूं लेकिन कार्य करूंगा तो अगर मैं बंध जाऊंगा तो अगर मैं कार्य में कर्म में बंधन में पड़ जाऊंगा मुझे अगर पाप लगेगा तो फिर इस सब का मतलब क्या तो भगवान बताते हैं ये डिफरेंस एक्सप्लेन करते हैं सत्ता कर्म्य विद्वांसो यथा गुरुवंति भारत कुर तथा आसक्त शिकीर्ष संग्रह तो भगवान बताते हैं कि आसक्त सत्ता कर्मा विद्वाद्वांसो सक्ता मीन्स जो आसक्त व्यक्ति है संसार में कर्मा विद्वांसो जो आसक्त व्यक्ति है विद्वांस वो विद्वान नहीं है जो हुँ? दो कैरेक्टरिस्टिक है वो व्यक्ति के एक तो आसक्त है और विद्वान नहीं है मतलब आसक्त है और मूर्ख है ये दो कैरेक्टरिस्टिक है उसके तो यथा कुरंती भारत वो जैसे कार्य करता है हे भारत हे भरदवंशी अर्जुन जैसे वो कार्य करता है जो आसक्त है और मूर्ख है कुरिया विद्वांस तथा सक्तस जो विद्वान है और डिटैच है जो आसक्त नहीं है तो पहली लाइन बता रही है जो आसक्त है और मूर्ख है वो जैसे कार्य करता है भगवान बोल रहे हैं कुरयात तथा आसक्त तो जो विद्वान है और आसक्त नहीं है तो शब्द क्या है, मिल रहे हैं इसलिए थोड़ा तो पहली लाइन में आसक्त और मूर्ख है दूसरी लाइन में विद्वान है और डिटैच है जो आसक्त नहीं है तो जो दोनों लोग कार्य कर रहे हैं सेम कार्य कर रहे हैं एक आसक्त है और मूर्ख है वो भी कार्य कर रहा है दूसरा विद्वान है और आसक्त नहीं है वो भी कार्य कर रहा है क्यों कार्य कर रहा है जब वो विद्वान है और आसक्त नहीं है तो चिकीर्ष श्लोक संग्रह वही एग्जाम्पल सेट करने के लिए काम काम कर रहा है तो जो पहली लाइन है ये कांडियों के बारे में जो संसार में कर्म कांड का आश्रय लेते हैं संसार में तो वो आसक्त रहते हैं आसक्त रहते हैं और वो एक्चुअली मूर्ख हैं मूर्ख क्यों कहा जा रहा है क्योंकि उन लोगों की अपेक्षा यही संसार में वो सुखी रहना चाहते हैं ये संसार में या पुष्पिताम वाचाम प्रवोदीता वेदों में जो पुष्प वचन लिखे हुए हैं हाँ जिससे शरीर का स्वास्थ्य ठीक रहेगा घर में सुख रहेगा शांति रहेगी इस प्रकार के प्रलोभनों से जो प्रसन्न हो जाते हैं उनको मूर्ख कहा गया तो दूसरी लाइन जो है वो योगियों के लिए एक है कर्म कांडी दूसरे है कर्म योगी तो कर्मयोगी भी वैसे ही काम करते हैं वो भी अपने कर्तव्य पालन में जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं दोनों व्यक्ति जॉब जा रहे हैं दोनों व्यक्ति सेम कर रहे हैं लेकिन एक डिटैच है एक अटैच दोनों का उद्देश्य अलग है दोनों का कॉन्शियसनेस अलग है दोनों का चेतना क्या है अलग है तो ये पॉइंट है तो भगवान यहां पे बता रहे हैं कि ये संसार में रहो काम करो और उसमें अटैच नहीं होना चाहिए डिटैच रहना चाहिए क्यों भगवान बोल रहे हैं लोक संग्रह क्योंकि ये संसार में जो लोग हैं हाँ जो कर्मकांडी हैं या बाकी जो लोग हैं उनको भी एक उदाहरण की आवश्यकता है ना देखिए दोनों लोग जॉब जा रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति जॉब जा रहा है वो डिटैच में काम कर रहा है जिम्मेदारी से काम कर रहा है एट द सेम टाइम सब कुछ भगवान के लिए कर रहा है पहला व्यक्ति वही कर रहा है सब कुछ अपने लिए कर रहा है केवल अपने लिए केवल अपने परिवार के लिए उससे बाहर उसका सोच नहीं है तो जो व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है उसके लिए भी तो कोई उदाहरण होना चाहिए ना वो कैसे डिटैच होगा वो कैसे ये सब छोड़ पाएगा वो तभी छोड़ पाएगा जब उसको कोई उदाहरण मिलेगा ये तो इसीलिए ऐसे लोगों की आवश्यकता है तो इस्कॉन में भी शुरुआत अगर आप देखेंगे इस्कॉन का तो शुरू में सारा फुल टाइम का ही कॉन्सेप्ट था जो ग्रस्ता रहते थे वो भी मंदिर के अंदर रहते थे फुल टाइम ग्रस्ता थे फुल टाइम ब्रह्मचारी थे लेकिन जैसे जैसे इस इस्कॉन का मूवमेंट धीरे धीरे बढ़ा तो ग्रस्त है नाइनटी लोग ग्रस्त हैं ये और कुछ लोग ब्रह्मचारी हैं और कुछ लोग सन्यासी हैं ये तो प्रभुपा जी का ये सिद्धांत है क्यों मैक्सिमम लोग ग्रस्ता है क्योंकि लोगों को देखना है बाकी लोगों को अगर इंस्पिरेशन लेना है तो उनको देखना है कि ग्रस्त जीवन में भी कैसे भक्ति जा सकती है जय ही कृष्ण तत्व से ही गुरु है जो आश्रम से कोई मतलब नहीं है जो कृष्ण के तत्व को जानता है वही गुरु है ये सिद्धांत तो जो वर्णाश्रम के अकॉर्डिंग जो चारों लोग है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या चारों जो आश्रम है ब्रह्मचारी ग्रस्त वन प्रस्त हर का एक रोल है तो अगर ग्रस्त नहीं होंगे संसार में कोई ग्रस्त ग्रस्त व्यक्ति नहीं है अगर किसी मूवमेंट में तो लोग बोलेंगे ब्रह्मचारी नहीं होंगे तो लोग सोचेंगे हाँ भक्ति मतलब केवल दो घंटे भक्ति करनी है भक्ति मतलब एक छोटा सा पार्ट है बाकी हमारा अपना जीवन है जैसा कि बहुत सारे लोगों की धारणा है ये इस तरीके से तो लेकिन जब ब्रह्मचारी सन्यासी इसको देखते हैं तो उनको लगता है कि भक्ति एक पार्ट टाइम जॉब नहीं है हाँ ये भक्ति ही हमारा लाइफ है तो हर चीज के लिए उदाहरण की आवश्यकता है ये सिद्धांत है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्पेशली जब हम भक्ति करते हैं और हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी को जॉब कर रहे हैं तो अगर कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है और उसको वास्तव में प्रचार करना है तो सबसे पहला चीज है उसको जिम्मेदार होना चाहिए अपने जॉब में ये कोई भी जॉब है कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में कुछ भी कर रहा है पढ़ा रहा है कुछ भी कर रहा है उसको जिम्मेदार होना चाहिए जॉब में वही प्रीचिंग कर सकता है जो जिम्मेदार है तो जब वो रिस्पॉन्सिबल है और बाकी लोग देखते हैं अरे इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे और फिर वो पूछते हैं कि इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हैं आप तब उसको बताना चाहिए क्योंकि मैं हरे कृष्ण मंत्र का जप करता हूँ और इसी तरह से प्रीचिंग होती है अगर आप प्रीचिंग कर रहे हैं और जो व्यक्ति लेक्चर देने जा रहा है उसके दो बहें है और वो डिवाइस दे रहा है कि देखो ये संसार कैसे भगवान से आया है हाँ कौन सुनेगा उसको बोलेंगे पहले इसके इसके रिजल्ट में दो बैक है इसीलिए हमको पता होना चाहिए कि ये एक मेन रीजन है जिसके कारण कभी कभी प्रचार हम नहीं कर पाते क्यों क्योंकि हम अपने भौतिक जीवन में कभी जिम्मेदार नहीं रहते हैं तो अगर तो हम कॉलेज में प्रचार कर रहे हैं कहीं पे भी प्रचार कर रहे हैं जहां भी हमको प्रचार करना है ये पहला चीज है कि वी शुड बी एक्सपर्ट इन वॉट वी आर डूंग जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हमको बहुत अच्छे से उस चीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहना चाहिए हुँ? तो अगर जो डिवोटीज है वो अपनी मटेरियल ड्यूटी प्रॉपर नहीं करेंगे हाँ और सोचेंगे कि उस टाइम को मैं कृष्णा कॉन्शियसनेस में यूज कर लेता हूँ वो काम नहीं करेगा जैसे अगर कोई डिवोटी है स्टूडेंट है वो क्लास में जाके सो रहा है हुँ? तो लोग क्या बोलेंगे ये स्कॉन वाले सोते हैं वो उसका रेपुटेशन है तो जो स्टूडेंट है या वर्किंग डिवोटी जितने जिम्मेदारी से अपना वो काम करता है वही सबसे पहला पार्ट है उसकी प्रीचिंग का तो किसी भी कॉलेज में भी जहां पे भी हम लोग रहते हैं या जहाँ पे भी प्रचार करते हैं तो काफी सारे वॉइस के डिवोटी जो टॉपर्स रहते हैं काफी जगह तो जब वो टॉपर्स रहते हैं तो दूसरे लोग पूछते हैं कि टॉपिक कैसे ये लोग टॉप कर रहे हैं तो वो बताते हैं आप हरे कृष्ण मंत्र का जप कीजिए बस तो तुरंत जप करने लगेगा क्योंकि एग्जाम्पल की जो पावर है संसार में वो बहुत शक्तिशाली है बहुत शक्तिशाली है एग्जाम्पल की जो पावर है क्योंकि इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है लेकिन उदाहरण की कमी है उदाहरण होना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी चीज को अपने जीवन में आने के लिए उदाहरण की आवश्यकता बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो ये यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है इन श्लोकों में अब भगवान ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ये जो श्लोक हैं इसमें एक्सप्लेन करते हैं होगा तो, 25 ही हो तो 25 में जी बताते हैं पहले तात्पर्य की पहली लाइन में एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण विहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है ये सेम कार्य कर रहे हैं लेकिन डिजायर अलग है थॉट प्रोसेस अलग है इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की संतुष्टि के लिए आधा कृष्ण भावना भावी व्यक्ति को चाहिए कि वे लोगों को यह प्रदर्शित करे किस तरह कार्य किया जाता है इस एग्जाम्पल की अपेक्षा तो अब इसके बाद भगवान बताते हैं थ्री पॉइंट ट्वेंटी सिक्स ठीक है तो ट्वेंटी सिक्स से ट्वेंटी नाइन तक ये श्लोक है तो ना बुद्धि वेदम जनएद अज्ञा कर्म संगी नाम जोशेत सर्व कर्माणी विद्वान युक्ता समाचरन् तो यहाँ पे भगवान बताते हैं ना बुद्धि वेदम बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए जनयेत बुद्धि में विचलित विचलन किसी बुद्धि को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए किन लोगों की अज्ञानाम जो अज्ञानी लोग हैं कर्म संगीना जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं तो फिर क्या करना चाहिए उन उनके साथ जोशयत सर्व कर्मा उनको नियोजित कीजिए उनके कर्मों को भगवान की सेवा में उनको लगाइए विद्वान युक्त समाचरण अभ्यास करता तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं विद्वान व्यक्ति को क्या चाहिए कि जो सकाम कर्मों में लगा हुआ है जो आसक्त है जो पिछले श्लोक में बताया है ऐसे व्यक्तियों को कर्म करने से रोके नहीं उनको विचलित ना करें नहीं तो विचलित हो जाएंगे उनका मन विचलित हो जाएगा ये लेकिन अपने आप उसको भक्ति भाव में लगा रहना चाहिए अपने कर्म में लगाना है समाचरण और जोशेत सर्व कर्माणी और उनको भी उस प्रकार के कार्यों में लगाना चाहिए प्रभुपा जी तात्पर्य में लिखते हैं क्योंकि बद्ध जीव इंद्र तृप्ति के अतिरिक्त तो और कुछ नहीं जानते अतः वे वेदों का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं किंतु सकाम कर्मों तथा वैदिक अनुष्ठानों के द्वारा इंद्र तृप्ति के माध्यम से मनुष्य धीरे धीरे कृष्ण भावना मृत को प्राप्त होता है अतः कृष्ण भावना मृत स्वरूप से तो जीव को चाहिए कि अन्यों को अपने कार्य करने या समझ, समझने में बाधा ना पहुंचाए अपितु उन्हें यह प्रदर्शित करे कि, कि किस प्रकार सारे कर्म फल को कृष्ण की सेवा में अर्पित किया जा सकता है कृष्ण भावना भावित विद्वान इस प्रकार इस तरह कार्य करता है कि नृत्य तृप्ति के लिए कर्म करने वाले अज्ञानी पुरुष सीख लें किस तरह कार्य करना चाहिए और आचरण करना चाहिए तो जो लोग आ सकते हैं जो लोग मूर्ख हैं तो भगवान बोल रहे हैं उनको ये मत बोलो कि आप कर्म मत करो आप अगर में आपने उनको ये बोल दिया कि कर्म मत करो विचलित हो जाएंगे भगवान की बहुत बड़ी अनुकंपा है भगवान ये जानते हुए कि जीव की क्या इच्छा है भगवान ने कर्म कांड आदि की विधि रखी है वेदों में क्योंकि तो उनको पता जीव भोग करना चाहता है लेकिन भोगना कैसे एंजॉय कैसे करना है वो भी उसको नहीं पता है तो जो शास्त्रों का आश्रय नहीं लेता है वो भौतिक स्तर पे भी एंजॉय नहीं कर पाता है जैसे आज की डेट में हम देखते हैं भौतिक स्तर पे व्यक्ति एंजॉय नहीं कर रहा है ना उसका हेल्थ अच्छा है ना उसका माइंड अच्छा है ना उसका बॉडी अच्छा है कुछ भी चीज उसको अच्छा नहीं है ये तो वैदिक स्तर पे भौतिक स्तर पे भी अगर इंजॉय करना है तो उसको शास्त्रों का सहारा लेना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है तो प्रीचिंग में भी प्रचार के लिए दो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पहला क्या है व्यक्ति को अपना कर्तव्य अच्छे से करना है जो इसमें लिखा है विद्वान व्यक्ति को समाचरण सही आचरण अपना करते रहना चाहिए दूसरा क्या है दूसरा चीज बोला है डोंट डिस्टर्ब द माइंड ऑफ इग्नोरेंट जो इग्नोरेंट पीपल हैं वो जो कर रहे हैं उनको डिस्टर्ब मत कीजिए उनका थोड़ा डायरेक्शन चेंज कर दीजिए डाउटेल कर दीजिए उदाहरण के लिए जैसे बच्चे हैं बच्चों को खेलने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तो आप बच्चों को बोलोगे खेलना बंद कर दो हु? तो खेलना तो बंद नहीं कर सकता है तो आप कृष्णा कॉन्शियस उनको दीजिए जैसे कृष्णा बुक्स आती हैं भगवान के छोटे छोटे खिलौने आते हैं वो उनको दीजिए खेलनों के लिए ऐसे तो इस तरीके से हमको देखना पड़ेगा कि उनकी चीजों को कैसे डाउटेल किया जाए जैसे बच्चों को पेंटिंग करना होता है तो इसको में पेंटिंग के बुक्स है हाँ तो वो कृष्णा की पेंटिंग कर सकते हैं कृष्णा की पेंटिंग नहीं करेंगे तो किसी मूवी एक्टर का पेंटिंग करेंगे किसी और चीज का पेंटिंग करेंगे तो ये क्या है जोशियत सर्वकर्माणी तो प्रभुपाद जी ने भी यही किया प्रभुपाद जी ने विदेशी लोगों को आप देखेंगे इंगेज किया हाँ तो गौर गोविंद महाराज जब मिलते हैं प्रौपा जी से तो प्रौपा जी ने बोला अच्छा उड़ीसा आता है तुमको उड़ीसा तो बैक टू गॉडेड का एक पेज बोला बोला इसको उड़ीसा में ट्रांसलेट करो तो एक पेज उन्होंने ट्रांसलेट किया प्रौपा जी ने बोला ठीक है तुम्हारा जिम्मेदारी है मेरी सारी बुक्स का उड़ीसा ट्रांसलेशन तो गौर गोविंद महाराज को तुरंत सेवा दे दिया पूरी प्रौपा जी की बुक्स को उड़ीसा लैया लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने के लिए ऐसे महाराज से मिले बोले सारी बुक्स को बंगाली ट्रांसलेशन करने के लिए तो प्रभुपा जी ने क्या है लोगों को टेंडेंसी के अकॉर्डिंग जो जिसको आता था जैसे श्याम सुंदर भू थे कारपेंटर थे तो बहुत ज्यादा उनको नहीं आता था प्रभुपा जी ने बोला आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को बनाइए तो कोई भी चीज छोटा सा भी किसी चीज को व्यक्ति कुछ आता था प्रभुपा जी उसको एंगेज कर देते थे ये। तो एंगेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्ति के लिए सेवा होना बहुत इम्पोर्टेंट है किसी को माचिस जलानी आती है प्रहुपा जी उसको इलेक्ट्रिसिटी का इंचार्ज बना दी तो इतने ऐसे लेके प्रोपा जी ने इतना इतना बड़ा सेवा लोगों को दिया है तो ये इम्पोर्टेंट है कि भक्ति में क्या है ये डिवोशनल सर्विस है तो हम केवल लोगों को फिलोसफी से अगर पैक कर देंगे लेकिन उनके पास व्यवहारिक जीवन में कुछ करने के लिए नहीं है तो भी उनको उन्नति करना इतना आसान नहीं रहेगा इसलिए प्रभुपा जी जी ने संस्कृति दी है यानी कल्चर तो ये श्लोक का पहला एस्पेक्ट है दूसरा एस्पेक्ट इसका विश्वनाथ चौधरी टागोर ने अपने कमेंट्री में लिखा है क्यों ऐसा बोला गया है कि जो लोग कर्म से आ सकते हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है क्यों क्योंकि उनका हृदय शुद्ध नहीं है ये तो हृदय शुद्ध नहीं है तो इसीलिए उनको बोला है उसको डिस्टर्ब नहीं करना है उनको डाउटेल करना है धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा फिर ज्ञान में आएंगे वो इस तरह के से उनको इंगेज करना है लेकिन विश्वनाथ चतुवेदी ठाकुर कोट करते हैं श्रीमद भागवतम का इलेवन ट्वेंटी नाइन श्लोक तो वो बोलते हैं इट इज इट इज पॉसिबल फॉर यू टू प्रोड्यूस फेथ इन भक्ति इन अदर पर्सन यू लेकिन अगर भक्ति में अगर आप उनका विश्वास स्थापित कर सकते हैं तो आप डिस्टर्ब कर सकते हैं हैं। अगर आप भक्ति में उनका विश्वास स्थापित कर सकते हैं तो डिस्टर्ब कर सकते हैं क्योंकि तो जिनको भक्ति में विश्वास है उनको ये नीचे लेवल पे कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है तो उसके लिए वो श्लोक कोट करते हैं तावत कर्माणि कर्माणी कुरवीता नानिर्था श्रवण आदव वा श्रद्धा यावन न जाये कि जब कब तक तावत यानी कब तक कर्माणि कुर्वीता व्यक्ति को कर्म आदि क्रियाओं को करने की आवश्यकता है जब तक जब तक मत श्रवण आदव जब तक भगवान की कथा श्रवण में उसकी रुचि उत्पन्न नहीं हुई है और जब तक वो भौतिक इंद्रिय इंद्रियों के विषयों से डिटैच नहीं हुआ है तभी तक उसको करने की जरूरत है धर्म संता धर्म संत्य मां भजे सत्यु सत्यु सत्तु मे एक बार कोई मेरा आश्रय ले लेता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आप सारे जो वैदिक कर्म है वो अपने आप छूट जाते हैं क्योंकि मेरी भक्ति करना ही सबसे बेस्ट चीज है तो सर्वधर्मान परित्यज तो विश्वनाथ चकुर्ती ठाकुर बोल रहे हैं कि हाँ साधारणतया व्यक्ति का माइंड डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए दो लेवल पे कर। कोई कर्म कांड कर रहा है दूसरा कोई देवताओं आदि की पूजा कर रहा है कोई शनि देव की पूजा कर रहा है कोई शिव जी की पूजा में लगा है कोई देवी माँ की पूजा में लगा है अगर आप माइंड डिस्टर्ब कर रहे हैं तो भक्ति में उसको स्थापित कीजिए आपने शिवजी की कोई पूजा कर रहा है आपने पूरी शिव जी की बुराई कर दी अब आगे क्या करना है शिव जी में से आपने उसका फेत हटा दिया ये और भगवान में भी स्थापित नहीं किया कृष्ण में तो प्रॉब्लम हो गई ना तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप किसी का विश्वास भक्ति में जमा सकते हैं तो आप डिस्टर्ब कर सकते हैं कोई देवी देवताओं की पूजा कर रहा है कुछ और कर रहा है तो आप बता सकते हैं क्योंकि भक्ति ही बेस्ट है लेकिन आप उस दोनों चीज आपको करना पड़ेगा वहां से फेत डिस्टर्ब कर रहे हैं तो दूसरी जगह फेथ को सेटल करना पड़ेगा रौपा जी ने तात्पर्य में लिखा है लास्ट लाइन जो लिखी है प्रत्यक्ष कृष्ण भावना मृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो से अपने कर्तव्यों के पालन से करने से प्राप्त होते हैं क्योंकि कृष्ण कॉन्शियस एक ऐसी एक्टिविटी है कृष्ण कॉन्शियसनेस के द्वारा उसको सब कुछ अटेन हो जाता है ये लेकिन अगर आप किसी का फेद जमा नहीं सकते तो डिस्टर्ब मत कीजिए वो कम से कम कुछ तो कर रहा है धीरे धीरे उसका प्रगति होगा ये सिद्धांत है श्रीमद भगवत गीता की जाए की जय